वेलकम बैक। इस रुणा सा पुनर्जागरण काल में जो कलाकारों का था उनका अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान था और उनका नाम हुआ। इटली में इसका आरंभ हुआ जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और दूसरी चीज़ थी उसके बाद ये लेटर ऑन उत्तरी यूरोप में इसका प्रसार हुआ। जब हम इकोनॉमिक फाउंडेशन की बात करते हैं इस युग में तो इंक्रीज्ड डिमांड फॉर मिडिल ईस्टर्न प्रोडक्ट्स, मध्य पूर्वी जो जगह थी जो राज्य थे उनसे उनके उत्पादों में वृद्धि हुई, वहाँ से उनके प्रोडक्ट्स की मांग हुई। इट एंकरेज द यूज़ ऑफ क्रेडिट एंड बैंकिंग। इस रनासा काल में जो ऋण और बैंकिंग सुविधाएं हैं उनके प्रयोग में उनको प्रोत्साहित किया जाता था। लेटर्स ऑफ क्रेडिट एक्सपेंडेड, सप्लाई ऑफ मनी एंड स्पीड अप द ट्रेड। बेसिकली जो ऋण पत्र होते थे उनका उपयोग किया जाने लगा, मनी की आपूर्ति होने लगी और इस प्रकार से व्यापार का जो उत्थान उत्थित युग था जिसे हम कहते हैं कि अपलिफ्टेड काल था वो आप देख सकते हैं। देन न्यू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग प्रैक्टिसेस यूज्ड अरेबिक न्यूमरल्स। इस काल में जो हम बही खाता रखते हैं जो ट्रेडिंग और बिजनेस वाले हैं उसमें अरेबिक न्यूमरल्स का उपयोग किया जाने लगा। हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो देखते हैं कि ड्यूरिंग द मिडल एजेस दे बिलीव्ड इन वाइंडिंग गॉड। बेसिकली मध्य युग में भगवान को खोजने का एक चलन था या उस पर इम्फोसिस दिया जाता था। एंड दे प्रूव प्री कंसीव्ड आइडियाज़, वो बेसिकली उसी को मानते थे जो पुराने स्थापित आपके विचार थे। लेकिन रेनासा काल में हम देखते हैं कि भगवान की खोज को इम्पोर्टेंस ना देके मानव की खोज को इम्पोर्टेंस दिया गया कि आप मानव में ढूंढिए। दूसरी चीज़, रेनासा पीरियड ने लर्निंग को प्रमोट किया, मीन्स आप क्योंकि लर्निंग उन 400 सालों में 1400 से लेकर 1700 तक में 1600 तक में जो लर्निंग थी वो हमारी बिल्कुल स्टॉप हो गई थी, कोई काम लिटरेरी नहीं हुआ था। इसलिए रेनासा के स्टार्ट होते ही जो शिक्षा जगत में या लर्निंग में आपके सीखने की गतिविधियों में उनको प्रोत्साहित दिया गया और मानव ने इस युग में अपने आप स्वयं से बहुत प्यार किया। देन कॉजेज ऑफ द इटालियन रेनासा, इटालियन पुनर्जागरण के कारण क्या रहे? क्रूसेड्स एक तो था क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉर्स होते थे और वहाँ पे आक्रमण होते थे। दूसरा, कंट्रोल ऑफ मेडिटेरेनियन ट्रेड। मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागरीय जल मार्ग पे जल पर एक व्यापार का नियंत्रण स्थापित की थी, उसकी वजह से इटालियन रेनासा आरंभ हुआ। इस ग्राफिक जो रिप्रेजेंटेशन उसमें आप देख पा रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमनिज्म किस तरह से हुई, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ग्रीस एंड रोम में चेंजेस आइडियाज अबाउट गवर्नमेंट रिलीजन एंड सोशल क्लास, देन ट्राइड टू इम्प्रूव ऑन ओल्ड थिंग्स, उसमें से ह्यूमनिस्टिक इन एजुकेशन आ गया। बिगिनिंग ऑफ द रेनासा इन यूरोप की जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम्स इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडिया, सिटीज एंड मर्चेंट्स ग्रो, क्रूसेड्स कनेक्टिंग विद मुस्लिम। जो जितने भी क्रूसेड्स हुए थे जो आपके इनकमिंग जो माइग्रेशन था जो काम हुआ था उसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम्स वर्ल्ड से कनेक्ट हुए। जो ट्रेड था उसकी वजह से वेल्थ आया, रिच फैमिली से सपोर्ट आर्ट्स, क्योंकि आपको अभी भी पता है कि जो कला जगत है उसको प्रोत्साहन कौन करता है? हमारे सामाजिक जो एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पे समृद्ध लोग, जितने भी प्रॉस्परस एंड वेल्दी पीपल हैं, दे आर द ओनली वंस हु एक्चुअली प्रमोट एंड सपोर्ट आर्ट एंड कल्चर। तो उस केस में ये होता है कि वहाँ पे ट्रेड से वेल्थ आई और रिच फैमिली जो थी वो सपोर्ट करती थी और इस तरह से ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिला और जिसने सिटी स्टेट्स को इन्फ्लुएंस किया। इफेक्ट्स ऑफ द रेनासा, पुनर्जागरण काल के प्रभाव क्या रहे? इसके जो प्रभाव हम देखते हैं वो देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जगत में यूरोपियन एक्सप्लोरेशन हुआ। देन सेक्युलरिज्म लेड टू प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। आपको पता है कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट होते हैं क्रिश्चियंस में, तो सेक्युलरिज्म की वजह से क्योंकि वो उनको फ्रीडम देता है उनको मानने की, तो उससे सोशल रिफॉर्मेशन रिलीजियस रिफॉर्म हुआ। देन ह्यूमनिज्म एनकरेज द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड द फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स। जो मानवतावाद थी उसने जो स्वतंत्रता है जो हम जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो हमें स्वतंत्रता होती है बोलने की, लिखने की, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होती है, तो इस तरह से ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार की बात शुरू हुई थी। देन महिलाओं की समाज में जो स्थिति थी जो उनकी भूमिका थी उसमें सुधार हुआ। एंड रेनासा आर्ट लेड टू द एज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट इन यूरोप। बेसिकली रेनासा की जो रेनासा के समय का जो कला रही उसने म्यूजिक एंड आर्ट का जो यूरोप में जो था उसको प्रोत्साहित किया। देन व्हाट वाज अ सिटी स्टेट, नगर राज्य क्या है? अ सिटी स्टेट वॉज अ सिटी विद रूरल एरिया इमीजिएटली सराउंडिंग इट, मीन्स एक ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के चारों तरफ का जो क्षेत्र आता है वो कहलाता है आपका सिटी स्टेट। दिस रूरल एरिया वॉज कॉल्ड द हिंटरलैंड। आज भी हम नगरीय क्षेत्र के आसपास जैसे जयपुर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो उसका उपनगर या हिंटरलैंड कहलाता है। इटली हैड मैनी स्मॉल सिटी स्टेट्स ड्यूरिंग दिस टाइम, मीन्स पुनर्जागरण काल में बहुत छोटे छोटे प्रांतों के रूप में इटली था, वो तभी भी कंट्री नहीं बना था।
इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखते हैं. इन द 15th सेंचुरी फ्लोरेंस वेनिस एंड नेपल्स एक्सटेंडेड देयर पाथ थ्रू मच ऑफ द एरियाज दैट सराउंडेड देम. मींस नेपल्स फ्लोरेंस और वेनिस के आसपास का जो एरिया था वो उनके ऊपर कंट्रोल करता था. देन मेकिंग द बेसिकली मूवमेंट ऑफ आर्टिस्ट पॉसिबल. क्योंकि जब आपका वहाँ पे समृद्धता होती है, समाज में शांति होती है, तो जो आर्टिस्ट होते हैं वह आसानी से मूव कर सकते हैं और कला का प्रचार प्रसार होता है. दिस एनेबल फ्लोरेंस टू हैव सिग्निफिकेंट आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस इन मिलान एंड थ्रू मिलान फ्रांस में. पहले मिलान में हुआ, मिलान के बाद वो चीज़ फ्रांस में पहुंची. इन द ईयर 1377 द रिटर्न ऑफ द पोप फ्रॉम द एविजियन पेपेसी एंड द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेपल कोर्ट इन रोम ब्रॉट वेल्थ एंड इम्पॉर्टेंस टू दैट सिटी. क्योंकि वहाँ पे आपका एस्टैब्लिश हुआ तो उसमें वहाँ पे पूंजी भी आई और उसकी इम्पॉर्टेंस भी बढ़ी. एज वेल एज रिन्यूअल इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पोप इन इटली विच वॉज फर्दर स्ट्रेंथन बाय द काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंस इन 1417. सक्सेसिव पोप्स स्पेशली जूलियस इन 1503, जिनका टाइम पीरियड है 1503 से 13 तक, सॉट टू एक्सटेंड द पोप्स टेम्पोरल पाथ थ्रू आउट इटली. इटली क्योंकि आपको पता है सेंटर है क्रिश्चियंस का, वहाँ पे चर्च है, तो उनके पास जो भी आए उन्होंने उसके ऊपर गवर्न किया. वेरियस सिटीज़ बोर रूल ओवर द सराउंडिंग टाउन्स एंड विलेजेस. जितनी भी सिटीज़ थी उनके ऊपर वो जो कस्बे और गांव थे उनके ऊपर वो शासन करते थे. फ्लोरेंस रोम मिलान एंड वेनिस वर इंडिपेंडेंट सिटीज़. उस वक्त रेनासा काल में जो फ्लोरेंस रोम मिलान और वेनिस थे वो स्वतंत्र नगर थे. दे वर कॉन्स्टेंटली ल्यूडिंग विथ वन अनदर. वो एक दूसरे से निरंतर कॉन्टैक्ट में थे और उनका एक जो सिस्टम था वो आपस में मिला हुआ था. द नोबल्स ऑफ ईच सिटी वर ऑल्सो एंगेज इन देयर ओन फ्यूड्स. जो फ्यूडिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो ये कि प्रत्येक नगर क्योंकि स्वतंत्र था लेकिन उनके नोबल्स थे, जिसे हम राज पुरुष कह सकते हैं, जो रॉयल फैमिलीज थी, वो अपने अपने फ्यूड्स को देखते थे. मीन्स अपने अपने ज़मीनों के जो मैटर था उसको देखते थे. लार्ज फैमिलीज हैड फोर्टिफाइड हाउसेज विच कंटेन्ड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स पर्सनल सर्वेंट्स एंड नाइट्स फॉर प्रोटेक्शन. जो बड़े बड़े परिवार थे, जो समृद्ध पावरफुल पीपल फैमिलीज थी, वो उनके फोर्टिफाइड मीन्स किलों के रूप में जो उनके घर होते थे, मकान होते थे, वहाँ रहते थे. उन्हीं के अंदर उनकी फैमिली भी रहती थी, फ्रेंड्स भी रहते थे, पर्सनल सर्वेंट्स भी रहते थे और उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके वॉरियर्स भी. देन फैमिली क्रेस्ट वर फाउंड ऑन बिल्डिंग्स कमीशन बाय दीज फैमिलीज एल एज ऑन द शील्ड्स ऑन आर्मर ऑफ देयर हायर प्रोटेक्टर्स. जो उनके प्रोटेक्टर्स थे, जो उनके सैनिक थे, उनको भी वो प्रोवाइड करते थे. देन कल्चर एंड इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग. मीन्स कल्चर का उस नगर के विन्यास पर और नियोजन पर क्या प्रभाव था. फॉर पेंटर्स ऑफ द रेनासा एज इट वॉज हार्डर फॉर देम टू लुक फॉर इंस्पिरेशन इन एंशियंट आर्टवर्क. जो उस वक्त के पेंटर्स थे, उस समय के जो कलाकार थे, उनको बहुत मुश्किल होती थी पुराने समय के आर्टवर्क को देखकर एक इंस्पिरेशन लेने की, और उनके पास कोई था भी नहीं जिससे कि वो स्टडी करके उनसे इंस्पायर हो पाएँ. इंस्टेड दे गॉट इंस्पिरेशन ऑन फ्रॉम क्लासिकल स्कल्प्टर्स. जो उस क्लासिकल समय के जो मूर्तिकार थे उनसे उनको ज़्यादा प्रेरणा मिली. अर्लियर पेंटिंग्स हैड बीन ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स एंड फोकस्ड ऑन ब्लैक बैकग्राउंड्स एंड कम्बाइंड मैनी सीन्स इन वन पेंटिंग. जो पुरानी प्राचीन पेंटिंग है उनमें अगर हम देखें तो दो आयाम है, लंबाई चौड़ाई, और ब्लैक बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड होता था वो ब्लैंक होता था, खाली होता था. एंड कम्बाइंड मैनी सीन्स, एक ही पेंटिंग में बहुत सारे सीनों को उसमें बनाया जाता था. रेनासा पेंटिंग फोकस ऑन वन पर्टिकुलर मोमेंट और सीन इन अ थ्री डायमेंशन पेंटर ऑफ द रेनासा. सॉरी, थ्री डायमेंशन, वहाँ दो आयाम होते थे, यहाँ पे थ्री डायमेंशन होता था, और बेसिकली वो एक व्यक्ति पर एक उस पर फोकस करते थे. पेंटर्स ऑफ द रेनासा रिसर्च्ड पर्सपेक्टिव एंड क्रिएटिंग इल्यूजन ऑन अ थ्री डायमेंशनल एरिया. इटली वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑयल पेंटिंग एंड पेंटिंग ऑन कैनवास इन द 15th सेंचुरी. दिस ग्रेटली एक्सपेंडेड द मार्केट वर्क एज द कॉस्ट ऑफ आर्ट रिड्यूस्ड एंड ट्रांसपोर्टिंग पिक्चर्स बिकेम ईजी. क्योंकि रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन हुआ था रेनासा काल में, तो जो पेंटर्स थे वो 3D इमेज पेंटिंग करते थे और उनका जो किसी एक एलिमेंट पे फोकस करते थे, और बेसिकली उन्होंने ऑयल पेंटिंग एंड पेंटिंग ऑन कैनवास जो 15वीं शताब्दी में यहाँ था ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट पॉइंट इज द रेनासा वॉज अ मूवमेंट विच अलाउड पीपल टू ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल व्यूज
आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस इंटू अ न्यू वे टू लुक एट थिंग्स एंड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग. मीन्स पुनर्जागरण काल में